भारत और चीनी सेना एक बार फिर लद्दाख में आमने सामने आ गए हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों सेनाओं के जवानों के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है। इस वार्ता के बाद हालात सामान्य हो चुके हैं। आपको बताते चले कि बुधवार को भारतीय सेना के जवान पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और इसी दरमियान उनका सामना चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों से हो गया। चीनी सेना भारतीय जवानों की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान दोनों सेनाओं के जवानों के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना अक्टूबर में एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर के 5000 से अधिक जवान अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। चीन बॉर्डर पर यह पहला युद्ध अभ्यास होगा।